फ्रेंड्स, मैं राहुल और आपके अपने वर्ल्ड टेक्सचर चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को फटाफट जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में छोटा सा बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस करिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और नए नए आइडियाज का पता लगता रहेगा। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक डिजाइन बनाकर दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है रेयर पर्ल। रेयर पर्ल ये डिजाइन का नाम है और इसके कई सारे शेड्स दे रखे हैं। और ये ऐसे डुलक्स कंपनी का डिजाइन है, बहुत अच्छा डिजाइन है। कुछ फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं जिनको वो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं हमें बहुत एकदम तड़क भड़क वाला डिजाइन नहीं चाहिए, सिंपल सोवर टाइप का डिजाइन चाहिए, तो ये डिजाइन उसी टाइप का है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेस कोट में मैंने कौन सा पेंट यूज किया है और टॉप कोट में मैं क्या यूज करूंगा। फ्रेंड्स, बेस कोट में मैंने रॉयल लग्जरी यूज किया है, इसका नंबर है 7831 रॉयल लग्जरी। और टॉप कोट में मैंने मेटालिक यूज किया है, इसका नंबर है 7622 7622 टॉप कोट का नंबर है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको यह बताऊंगा रेयर पर्ल डिजाइन बनाने में कौन कौन से टूल की जरूरत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले रोलर और ब्रश की हेल्प से हमें बेस बनाना है। इसमें रोलर और ब्रश और टॉप कोट अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन रोलर, इसे फेल्ट रोलर भी कहते हैं। और लास्ट में आपको दिखा रहा हूं स्पेशल इफेक्ट ब्रश। फ्रेंड्स, ये स्पेशल इफेक्ट ब्रश है, ये स्पेशल इफेक्ट ब्रश है, एशियन पेंट का है और बहुत अच्छा ब्रश है। इसी से आज मैं डिजाइन बना के दिखाने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वर्क। फ्रेंड्स, मटेरियल उसी तरह लगाना है। ब्रश में थोड़ा सा मटेरियल ले लेंगे, इसमें मटेरियल लगा लेना है पहले से थोड़ा इस तरह से करके, और ब्रश के दोनों तरफ लगा लेंगे ताकि हम ब्रश के दोनों पार्ट यूज कर सकें। इस तरह से लगा लेना है फ्रेंड्स। अच्छे से मटेरियल लगा लिया मैंने, इक्वल कर देते हैं मटेरियल को। फ्रेंड्स, ब्रश में मैंने दोनों तरफ मटेरियल लगा लिया है और मटेरियल लगाने के बाद अब हमें वॉल पे क्या करना है, वॉल के कॉर्नर की तरफ, ऊपर की तरफ और राइट साइड लेफ्ट साइड और नीचे की तरफ इस तरह से ब्रश चला देना है। इसके बाद एक बार इस तरह से मैंने क्रॉस कर दिया। फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? अगर स्टार्टिंग में ध्यान दे देंगे तो पूरा डिजाइन आपका बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला डिजाइन है, बट थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी स्टेप है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती। ज्यादा लंबा कट नहीं करना, अप्रोक्स आपको 9 या 10 इंच के आसपास में एक स्ट्रोक खींचना है। और बहुत इजी स्टेप है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। इसके बाद एक स्ट्रोक इस तरह से खींच दिया, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये स्टॉप कर दिया, ठीक है।
उसके बाद फिर ये ओके फ्रेंड्स। बस फ्रेंड्स आपको बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप कहीं भी एक जगह कंफ्यूज हो गए तो पूरा डिजाइन खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सतर्कता से काम करना और बहुत ये डिजाइन बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। कहीं आपका अगर एक बार गड़बड़ भी होता है तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। उससे गड़बड़ हो गया था तो देखो मैं आपको रिपीट करके दिखा रहा हूं, यहां मैंने इस तरह से कर दिया, यहां की फिनिशिंग फिर से यहां पे इस तरह से कर दिया। बस आपको कटिंग का ध्यान देना है, कटिंग गड़बड़ होनी चाहिए आपके पास, एक जगह अगर आपकी कटिंग गड़बड़ हुई तो समझ लो कि सारा भी काम खराब हो जाएगा। जी कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशल इफेक्ट ब्रश से डिजाइन बना के मैंने आपको दिखा दिया। फ्रेंड्स मेरी तरफ से कोशिश ये था कि मैं आपको इजी सीजी स्टेप बता सकूं जिससे कि आप बड़ी वॉल पे भी आराम से डिजाइन निकाल सको। सो फ्रेंड्स मेरा ये डिजाइन बनाने का तरीका और बताने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सो फ्रेंड्स मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।